हीटर ऑफ डॉगमा, आपका स्वागत है जी। अपने आपको अनम्यूट करें। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, तो क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है आप लोग का? आपसे स्पेलिंग तो ठीक नहीं जा रही। हीटर ऑफ डॉगमा, हीटर ऑफ डॉगमा के लिखना। अरे वाह, हीटर की जगह आप हीटर बनाओ। हीटर यानी गर्माने वाला, डॉगमा को बढ़ाने वाला। प्रोपेगेंडा आप हमें कह रहे हैं। टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, टाइपिंग प्रॉब्लम है जी। जी बोलिए डॉगमा भाई, हीटर ऑफ डॉगमा जी बोलिए। मतलब आप लोग क्यों, मतलब क्या चाह रहे हैं? मतलब नफरत चलते रहे पूरे दुनिया में, ऐसा ही कुछ सोसाइटी में? मोहब्बत चाहते हैं हम, मोहब्बत चाहते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं मोहम्मद, हम नफरत नहीं चाहते। आपको ऐसे क्यों लगा हम लोग नफरत चाहते हैं? आप कौन से थॉट के हो जी? आप कौन से थॉट के हो, कौन से? आज के डेट में मैं रैशनल हूँ, बट उस वक्त का बात बता रहा हूँ जो बचपना था मेरा। उस वक्त आप क्या थे जी? उस वक्त आप क्या थे? एच मुस्लिम है उस वक्त? उस वक्त तो ऑब्वियसली मेरे माँ बाप ने जो मुझे रिलीजन दिया था, मैं उसी को फॉलो कर रहा था। कौन सा रिलीजन? ऑफ कोर्स यार, जो आप रिलीजन फॉलो कर रहे ना, उसी को मैं फॉलो कर रहा था। अच्छा, आप मुसलमान थे? मुसलमान ही थे। अच्छा, तो शादाब भाई आप स्टार्ट करेंगे या पहले मैं पूछूं कुछ? आप ही पूछिए, या जैद भाई पूछना चाहते हो कुछ सवाल? तो नहीं, शादाब पूछो, शादाब थोड़ा सा टेस्ट। अच्छा, तो टेस्ट आप एक्स मुस्लिम है ना, हीटर ऑफ डॉगमा, मतलब जो भी आपने नाम लिखा है हीटर ऑफ डॉगमा, तो आप मतलब के गिरगिट मारते फिरते थे आप बोल रहे हैं, तो आपको तो ये पता होगा कि यार मेरे साथ जितने बच्चे थे ना, जो मतलब आई थिंक वो लोग मारते थे। चलिए चलिए ठीक है, तो आपको तो आप मुसलमान थे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ईमान के कितने अरकान हैं, मतलब क्योंकि आप मुसलमान थे तो आपको पता है ना ईमान के अरकान, ईमान हीटर ऑफ डॉगमस पता है ना क्या क्या है, क्या क्या अरकान है ईमान के? क्या मतलब क्या मतलब? अच्छा, सिला रहमी अरकान नंबर एक, क्या मतलब? अच्छा, सिला रहमी अरकान नंबर एक, दूसरा अरकान, छह अरकान होते ईमान के, एक सिला रहमी बोला आपने, दूसरा जकात और खैरात जो करना, जकात। अच्छा जकात है इस्लाम के नहीं, ईमान के अरकान पूछ रहे थे, जकात खैरात। अच्छा, वुजू बनाते थे आप मुसलमान थे तो वुजू भी बनाते थे? हाँ जरूर, हर नमाज से पहले वुजू भी करता था मैं। तो उसमें सूरा फातिहा पढ़ते थे या सूरा नास पढ़ते थे वुजू में? सॉरी यार, मैं इतना डीप नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। अच्छा बाप रे बाप, सूरा मतलब के वुजू में पता नहीं था कौन सा पढ़ रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आपसे मैं एक बात करूं, मैं उस जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जी। अच्छा, आप वुजू नहीं करते थे, सिर्फ गुसल करते थे? यार जो प्रोसेस था, जो तरीका था वो मैं फॉलो करता, उसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, दस वर्ड आई डोंट नो अबाउट दैट। वही तो प्रोसेस है, क्या पढ़ना वही तो प्रोसेस है ना। वुजू में आपको सूरह फातिहा पढ़ रहे या सूरह नास? अच्छा, इतना तो पता होगा ना कि वुजू में कितना रिकात आप वुजू बनाते थे? बाहों को धोना, कान को धोना, मुंह को धो लेना और जो कुछ। तो कितना रिकात हुआ ये टोटल? सात रिकात हुआ या पांच रिकात हुआ? सात रिकात हुआ ये कि पांच रिकात हुआ जो आप अभी बता रहे थे वुजू में? भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं उतना डीपली नहीं था उस वक्त, मैं ये बता रहा हूँ। आप गिरगिट मारने को तो बड़ा डीपली ले गए, इतना तो हदीस नहीं है डीपली। यार तो आपको ये बताओ, आप वुजू में कितनी रकात है वो आपको नहीं मालूम था? वुजू में सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि वुजू में सूरह नास पढ़ते हैं, ये नहीं मालूम है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जो स्क्रिप्चर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ यार। वजू और नमाज के अरकान नहीं मालूम है? जो जहनियत है ना इंसान का, वो जहनियत के बात बोल रहा हूँ। वजू को छोड़िए ना, आपने वजू किए थे, आपने बोले थोड़ी देर पहले की वजू। अरे यार वो सब मुझे कुछ नहीं लेना देना है, वजू नमाज अल्लाह का केयर करना। अभी तो बोले कि आप वजू किए थे, तो आपने वजू में कितनी रकात पढ़े थे नहीं मालूम है अभी तक? अरे मेरे खुदा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ यार, मोरालिटी क्या है? वो सबसे बड़ा चीज तो मोरालिटी है ना भाई।
मोरालिटी भी हम लोग बताएंगे तो वुजू से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता नमाज। अच्छा, आपने वुजू किए थे, हम लोगों को लगेगा कि आपने किए नहीं थे वुजू। खुदा खुदा तो जवाब दो, वुजू में दो रकात है, पांच रकात है, छह रकात है। किसी को बोले कि पांच वक्त तू कसरत कर मेरे लिए, ठीक है ना? सही है आपका, मैं बात समझ रहा हूँ डॉगमा भाई, समझ रहे हैं आप। ये समझने कोई 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 खुदा ऐसा नहीं होगा ना कि तू हमारे व्यूअर्स को लगेगा आपने वुजू किए नहीं। आगे आगे तेरे लिए सहूलियत करूंगा, समझ गए ना? हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें मस्जिद में कुछ लोग बिना नहाए पकड़े गए थे, तो हम पूछ जानना चाह रहे थे कि उसमें आप तो नहीं थे, आपने तो वजू किया था ना? या बगैर इस चीज़ अरे भाई, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप झूठ बोलो, कैसी बात है? अच्छी बात है बुरी बात है? कौन सा झूठ भाई? अच्छी बात है बुरी बात है? झूठ बोलो, कौन सा झूठ भाई जान, ये बता दे आपने। आप बोले आपने वुजू किया और वुजू में कितनी रकात है वो भी नहीं बता रहे भाई। मुझे उस नमाज और इस चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे रियलिटी से मतलब है। आपने वुजू नहीं किए तो ना बोलो, आपने ये क्यों बोले कि वुजू किए थे? एक समाज से दूसरे समाज का प्यार का मतलब है मुझे उससे नहीं। आपके नमाज और किसी का झूठ नहीं बोले कि मैंने वुजू किया, मतलब तो किए नहीं थे ना आपने वुजू? वुजू में कितनी रकात है वही नहीं मालूम है आपको? भाई मेरे पूजा पाठ और नमाज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भगवान कोई अल्लाह कहे ना, जब पाठ से आए हुए हो मेरा वुजू नमाज से कोई बात नहीं करूंगा, या तू मेरा नमाज पढ़ या तब मैं तेरा तरफ डॉगमा भाई नहीं है यार, इतना कमजोर तो खुदा हो ही नहीं सकता। झूठ बोलना अच्छी बात है बुरी बात है? आप ये बोलो ना, जवाब दो। झूठ बोलना अच्छी बात है बुरी बात है? इतना कमजोर खुदा हो ही नहीं सकता भाई। देखो सवाल से भाग रहे हो, आपको झूठ को बुरा बोलना नहीं हो रहा है। आपने तो जिम कर लिया है, आप तो बता दे। हो ही नहीं सकता कि किसी को जबरदस्ती करके उसको बोले कि तू हमारे पूरी ऑडियंस को समझ में आ गया कि आप फेक हो, फेक। आपने तो जिम कर रखा है, आप तो बता दें, आप तो सवाल का जवाब दे दें। आप तो म्यूट किया है, अभी हमने इनकी सुन ली है। देखो सब लोग सुन लो, ऑडियंस भाई जिसको आना है फेस टू फेस आके बात करो, ऐसे फ्रॉड नहीं करो। ये देखो एक फ्रॉड को पकड़े हम लोगों ने आज, फेक है ये, फेक झूठा इंसान है, झूठ को भी गलत नहीं बोल पा रहा है। अभी मैंने बोला ना झूठ बोलना अच्छी बात है बुरी बात है, वो भी नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फेक झूठ बोल के आया है। ये क्या झूठ बोला कि मैं मुस्लिम था, मैं वुजू करता था? उसको ये नहीं मालूम है कि वुजू में कितनी रकात है। जवाब दो, जवाब दोगे कितनी रकात है वुजू में? अरे भाई तुम ये बताओ ना, अल्लाह को इतना जरूरत क्या पड़ी है किसी कम नहीं किए थे तो ना बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो पूजा करवाने का? ये बताओ आप झूठ क्यों बोलते हो? आप फ्रॉड बन के क्यों आते हो? सवाल तो हम लोग फेस करने बैठे हैं, फ्रॉड बन के आओगे? अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छा अच्छा, आप फ्रॉड बन के आते हो, यही तुम लोगों की असलियत है? अच्छा मेरा प्रोफाइल लोग बढ़े हुए हैं सब, मेरा प्रोफाइल आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मेरा प्रोफाइल यूट्यूब का प्रोफाइल दिख रहा है। प्रोफाइल, अच्छा प्रोफाइल की बात करें, हीटर हीटर ऑफ डॉगमा पे ये दिख रहा है, हीटर ही है। हाँ। रियल प्रोफाइल दिख रहा है? सवाल का जवाब हम लोग देंगे। चलो रियल प्रोफाइल जो एडमिन है उनको दिखता है, मुझे दिखा दिखा। चलो तो अभी यहाँ पे हम ये हीटर ऑफ डॉगमा के सवाल का जवाब देंगे, गिरगिट वाला सवाल। हाँ देखिए, गिरगिट के अंदर केमेलियन जो है ना, गिरगिट के ताल्लुक से हदीस नहीं है। हम देखते हैं ये गेको जो होता है जिसे हाउस लिजर्ड कहते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, उसको मारने का हुक्म है। हाँ उसको मारने का हुक्म है। केमेलियन जो है उसके लिए वो चीज बाय कियास एनालॉजी वो चीज लगाई जाए तो वो चीज उसमें नहीं है। हाँ वो चीज उसमें नहीं है, लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि हाउस लिजर्ड जो होते हैं उसको मारने के ताल्लुक से हुक्म हमें मिलता है हदीस में, और उसका विजडम भी हम लोग समझ सकते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।